नमस्कार। त्रिवेणी की आज की दूसरी प्रस्तुति स्वर त्रिवेणी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में स्वराशा और शिवरंजनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। शास्त्रीय संगीत और नृत्य कला के जानकार और कुछ मशहूर कलाकारों ने स्वराशा थिएटर्स की स्थापना की है। इनमें है अनघा पेंट से, मोहन पेंट से, श्रद्धा पड़सुले और निखिल पड़सुले। भारतीय संगीत और नृत्य कला का प्रसार स्वराशा का लक्ष्य है। इस संस्था का निर्माण थाने में ही हुआ है और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए थाने और पुणे में इस संस्था की ओर से समय समय पर कार्यशाला अर्थात वर्कशॉप्स का आयोजन होता रहा है। स्वराशा थिएटर्स ने आज तक कई इवेंट्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया हुआ है। स्वराशा के साथ है शिवरंजनी एंटरटेनमेंट्स। कला के क्षेत्र में नित नए प्रयोगों के लिए शिवरंजनी संस्था जानी जाती है, पहचानी जाती है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है रवि नवले, सुचेता कलोती और अमित देशमुख जैसे कलाकारों को। थाने की सांस्कृतिक गतिविधियों में जिन फेस्टिवल्स का बहुत ही बोलबाला रहा है, ऐसे उपवन आर्ट्स फेस्टिवल और संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल में रवि, सुचेता और अमित का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे जो प्रस्तुतियां होने वाली है, नृत्य रंग, गजलांकित, लोक रंग, परंपरा, स्ट्रिंग्स और यंगिस्तान बैंड जैसी लाजवाब प्रस्तुतियों की हमारी योजना है। बस आपका आशीर्वाद और साथ और आज की तरह आपका रिस्पांस जिसकी हमें अपेक्षा है। विशेष रूप से आपके लिए हमारा निवेदन यह है कि आप ना सिर्फ हमारे दर्शक बल्कि हमारे आश्रयदाता बन जाइए, हमारे पैटर्न बन जाइए, ताकि ऐसे ही कुछ होनहार और प्रतिभा संपन्न कलाकारों को आप तक पहुंचाने का जो हमारा मानस है, यह मानस यहां पर पूरा हो। आज कुछ मान्यवर यहां पर मौजूद हैं सामने। सबसे पहले तो उनका हम यहां पर सम्मान करना चाहेंगे। मैं यहां पर उनका जिक्र करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आइए, हम आपका यहां पर स्वागत करना चाहते हैं। और शिवरंजनी की ओर से यहां पर मैं अमित को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पर आकर सबसे पहले सम्मान करेंगे। सबसे पहले संगीतकार विनय राजवाड़े जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आए और जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहां पर स्वागत करेंगे। अमित देशमुख, शिवरंजनी संस्था की ओर से और आप सभी संगीत प्रेमियों की ओर से संगीतकार विनय राजवाड़े जी का यहां पर स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और हम सब मिलकर उनका सम्मान करेंगे जोरदार तालियों के साथ। मुंबई उपनगर उप जिलाधिकारी बंसी गवली साहब यहां पर उपस्थित है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज मंच पर आइए। अमित जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बंसी जी का यहां पर स्वागत करें। जॉनसन एंड जॉनसन प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड रमेश देशपांडे यहां पर है, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज मंच पर आइएगा। रमेश देशपांडे, कला के जानकार, संगीत प्रेमी और हमेशा सहयोग देने वाले ये सभी हमारे साथी हैं। स्वर तज्ञ और वाद्य निर्मिति संवादिनी मेकर यामा कैशियो जैसे कंपनी के जो ऑथोराइज ट्यूनर है, ऐसे रिस्पेक्टेड जितेंद्र हिंगे सर यहां पर मौजूद हैं। हिंगे सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज मंच पर आइएगा। अमित जी, आपसे निवेदन रहेगा कि हिंगे सर का यहां पर स्वागत करें। मिस्टर जितेंद्र हिंगे, थाने महानगर पालिका के उपायुक्त मालवी साहब तो आज यहां पर सामने नहीं है, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हम तक पहुंच चुकी हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। ठाणे जनता बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर सामने है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मंच पर आइएगा। ठाणे जनता बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के कोई प्रतिनिधि अगर यहां पर है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आए। अमित जी, थाने जनता बैंक की ओर से प्रतिनिधि जी, उनका हम स्वागत करते हैं यहां पर। और अब मंच पर आज के कलाकार प्रशांत काळुंद्रेकर, सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं रवि नवले, आपसे निवेदन करता हूं कि प्रशांत जी का यहां पर स्वागत करें।
अब इस वक्त तो मंच पर नहीं है, लेकिन इस महफिल में जो शामिल होने वाली है मेघना कालुंदेकर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी प्लीज मंच पर आइएगा। और सुचेता, आपसे निवेदन रहेगा सुचेता कालुंदे कि मेघना जी का आप यहां पर स्वागत करें, उनका सम्मान करें। तबले पर साथ दे रहे हैं आदरणीय साई बैंकर। मैं रवि जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप साई जी का यहां पर स्वागत करें। एक बहुत ही सीनियर कलाकार हैं हमारे क्षेत्र के, संगीत की दुनिया के, आदरणीय साई बैंकर। और हारमोनियम पर साथ देने वाले श्रीरंग परब, रवि जी। ये तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमारी तीन प्रस्तुतियां आपने देखी हैं, और जो आगे होने वाला है मैं संक्षिप्त में इसकी भी जानकारी आपको दे दूं। अगले महीने जो होने वाला है जनवरी में, ये तारीख है 26 जनवरी, और 4 से 7 इस समय में लोक महाभारत पेश होने वाला है। कलाकार होंगी छत्तीसगढ़ दूर की रितु वर्मा। महाभारत की कथा अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका रितु वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ से है, और उसके दूसरे हाफ में नृत्य अलंकार आरती परांजपे अपनी अदाकारी पेश करने वाली हैं, और विषय यही होगा महाभारत। और तबले पर उनका साथ देने वाले हैं प्रसाद आजरेकर। उसके बाद फरवरी महीने में त्रिवेणी की प्रस्तुति होगी लोक रंग, और इसके तहत नंदेश उमप इस मंच पर आने वाले हैं। और मार्च की जो हमारी प्रस्तुति होगी त्रिवेणी की, टाइटल होगा भाव रंग, और अनघा पेंट से इस प्रोग्राम को पेश करने वाली है। तो जो होने वाला है उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और एक विशेष स्पेशल अनाउंसमेंट यहां पर मैं करना चाहूंगा, 7 जनवरी 2016 इसी थिएटर में शाम 6 बजे से 10 बजे तक कबीर फेस्टिवल होने वाला है, और शिव रंजनी के सहयोग से यह फेस्टिवल यहां पर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थाने में यह पहली बार हो रहा है कबीर फेस्टिवल। इसके कलाकार हो गए दास्तान ढाई आखर के फेम अंकित चड्ढा, बाउल म्यूजिक बाय लक्ष्मण दास बाउल, और सूफी मुरालाला बारवाड़ कच्छ गुजरात के। और ये बिल्कुल फ्री है प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए आप रवि और सुचिता को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका सहयोग है। मैं इनका भी आपको नाम बता दूं, टीम त्रिवेणी, सुचेता कलोती, अनघा पेंट से अमित देशमुख, रवि नवले, निखिल परसुले, मयूरा बापट, सविता कृष्णन, श्रिया, अजय, निशा भगवान, निक्षिता। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जो यहां पर साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, ध्वनि संयोजन श्री यतीश पाटिल, फोटोग्राफी कर रहे हैं श्री निखिल जोशी, वीडियोग्राफी श्री सचिन, काशीनाथ घाणेकर, नाट्यगृह व्यवस्थापन और पेंट से म्यूजिक अकेडमी। साथ ही साथ स्पेशल धन्यवाद वीणा जोशी, सुवर्णा देसाई, मयूरा बापट, चेतन बापट, सुवर्णा भिसे, जाई खरे, विद्या राव, संगीता अवसरमोल, लतिका पय, अर्चना भालचंद्र, नयन ठेकेदार, संध्या देश पांडे, सुप्रिया महाजन, हमारे स्पॉन्सर्स ठाणे जनता बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मीडिया पार्टनर ठाणे वैभव, नो योर ठाणे, और स्पेशल थैंक्स वेव्स म्यूजिकल्स के शशांक दापके, साथ एडवर्टाइजिंग के समीर वैद्य और डॉक्टर आशा मंडपे। स्वर त्रिवेणी इस प्रस्तुति के हमारे गायक कलाकार प्रशांत कालुंद्रेकर। आपने संगीत की शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के पंडित अनंत महाजनी के पास ली। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने सफलतापूर्वक संगीत अलंकार पूरा किया है। उसके बाद संगीत की दुनिया में कुछ और हासिल करने के इरादे से और अपने संगीत करियर को संवारने प्रशांत जी मुंबई चले आए। आगे उन्हें पंडित अनंत केमकर, डॉक्टर प्रकाश संगीत और श्री अजीत कड़कड़े से संगीत के विषय में अनमोल मार्गदर्शन मिला है। 1993 में प्रशांत जी मुंबई आकाशवाणी के अप्रूव्ड आर्टिस्ट हो गए, मान्यता प्राप्त कलाकार। तब से वे मुंबई आकाशवाणी और मुंबई दूरदर्शन पर लगातार कार्यक्रम पेश करते आ रहे हैं। आज उन्हें तबले पर साथ दे रहे हैं श्री साई बैंकर। आप पंडित पंडरीनाथ नागेशकर जी के शिष्य हैं, और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं श्रीरंग परब, जो कि पंडित तुलसीदास बोरकर जी के शिष्य हैं।
प्रशांत जी, गायन सुनने के लिए हम सब यहाँ पर बेताब हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ प्रास्ताविक यहाँ पर रखना चाहेंगे? बिल्कुल समझ लेता थे, पण माझ्या मताने ते नुसतं करमणुकीचं साधन नसून एक कलाकारासाठी ते चिंतन आहे. तो त्यांनी घेतलेला ध्यास असतो किंवा त्यांनी घेतला पाहिजे ज्याच्यामुळे त्याची कला निखरते आणि त्याच्याकडून अशी काही नवनिर्मिती होते आणि रसिकांना तो जास्त सुंदर प्रकारे आपली कला सादर करायला सज्ज होतो. तर हाच विचार या कार्यक्रमाच्या शेवटी आहे की मी ध्यास घेतला या तीन कलावंतांचा आणि माझ्या अल्पबुद्धीला जसे हे समजले तो मी तुमच्या समोर, तुम्ही सगळे सुजान रसिक आहात आणि तुमच्या समोर हे सगळं मांडायला मला खूप आनंद होणार आहे. आणि जसे मला हे तीन कलाकार समजले तसे मी आज तुमच्या समोर मांडणार आहे. तर आणि माझ्याकडनं या तिन्ही कलावंतांनाही स्वरश्रद्धांजली आहे. तर आपण सगळे मिळून या महान गायकांना एक स्वरयज्ञ वाहूया आणि तुम्ही सगळे त्याच्यात माझ्यासोबत सहभागी व्हा. धन्यवाद. या कलाकारांचा मी परिचय देणार. संस्कृती आर्ट फेस्टिवल उपवन ठाणे संपन्न होणार आहे. परफॉर्मिंग आर्ट डायरेक्टर सुचिता कलोती आणि रवी नवले. 8, 9 आणि 10 जानेवारी संस्कृती आर्ट फेस्टिवल उपवन ठाणे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व. कर्नाटक के धारवाड़ में 8 अप्रैल 1924 को पंडित जी का जन्म हुआ. 10 वर्ष की आयु से ही संगीत समारोह में गाने लगे थे और ऐसा चमत्कारी गायन करते थे कि उनका नाम कुमार गंधर्व पड़ गया. 12 जनवरी 1992 को वे चल बसे. नाट्य संगीत के प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में पंडित वसंतराव देशपांडे को हम आज भी याद करते हैं. कवि पुल देशपांडे ने कहा था कि वसंताची गायकी परंपरेच्या पालखीतून संथपणे मिरवीत जाणारी नाही, दऱ्याखोऱ्यातून बेफाम दौडत जाणाऱ्या जवान घोडेस्वारासारखी त्याच्या गायकीची मूर्ती आहे. भर उन्हाळ्यात पलाश बनात अग्निपुष्पे फुलावीत तशी ही गायकी आहे आणि ती फुलं पाहायला उन्हाची तिरीप सोसणारी जवानी हवी. पु ल देशपांडेंनी वसंतरावांविषयी सांगितलं होतं. 1920 ते 1983 हा या गायकाचा जीवन कालखंड. वही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और गायक के रूप में हमें याद आते हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी. पिता कीर्तनकार थे, उन्हीं से संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने ली. संगीत को विस्तार से जानने के लिए वे गोवा से पुणे चले आए. अपने जीवन में उन्होंने कुल 21 गुरु किए, उनसे जरूरी ज्ञान हासिल किया और अपनी स्वतंत्र गायन शैली बनाई. 21 सितंबर 1932 को जन्मे जितेंद्र अभिषेकी 7 नवंबर 1998 को इस दुनिया से चल बसे. प्रशांत जी, अब हम चाहेंगे कि अपने गायन से इन तीनों कलाकारों की विशेषता. गायन कारण मला खूप बोलायची सवय नाही आहे, खूप गायची सवय आहे, त्यामुळे मी जे काय बोलेन त्यातनं मला जे सांगायचं आहे तुम्ही त्याचा मतिथार्थ समजून घ्या आणि जे काय बोलण्याच्या चुका असतील त्या दुर्लक्ष करा. आपण चालू करूया. Shut up.